छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में स्थित एक पावर प्लांट में एक युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वह पिछले 8 दिनों से काम पर नहीं गया था, फिर जब गया तो वह इसने यह कदम उठा लिया। उसकी मौत के बाद परिजन भी नाराज हो गए, शव को फंदे से उतारने नहीं दे रहे थे। काफी देर तक प्लांट के अंदर परिजन और प्लांट के बाहर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा मुआवजा और परिजन को नौकरी को लेकर अड़े रहे, जिसमें गहमा गहमी का माहौल रहा। आखिरकार 8 घंटे की मशक्कत के बाद शव को फंदे से उतारा जा सका। मामला मुलमुला थाना क्षेत्र के कलतरा के केएसके महानदी पावर प्लांट का है। वहीं रोगता गांव का हुकुम सिंह मरावी वाटर केमिस्ट्री विभाग में सीनियर हेल्पर के रूप में काम करता था। किसी कारण से वह पिछले 8 दिनों से ड्यूटी नहीं गया था। मंगलवार की सुबह ड्यूटी करने गया था, इसके बाद 9 बजे के आसपास उसने फांसी लगाई है। हुकुम का शव पीटी प्लांट एरिया में सीढ़ी से लटका हुआ मिला। बताया गया कि जब हुकुम पंच करने के लिए गया था तब उसका पंच इन नहीं हो रहा था, जिसके बाद उसे पता चला कि उसकी आईडी को लॉक कर दिया है। वहीं काम कर रहे कर्मचारियों ने उसका शव देखा तो जिसके बाद परिजन और पुलिस को इसकी खबर दी। खबर लगने के बाद मुलमुला कलतरा पुलिस और उसके परिजन मौके पर पहुंचे, साथ में सर्व आदिवासी समाज के समाज प्रमुखों ने भी वहां पहुंचकर मामले की जांच ली। प्रबंधन ने परिजनों को शव सौंपने की बात कही थी। पुलिस को शव बरामद कर पीएम के लिए भेजना था, मगर उसके परिजन और सर्व आदिवासी समाज के लोग नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत परिजन और सर्व आदिवासी समाज के लोग मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए थे। उन्होंने कह दिया था कि जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक शव को नहीं लेंगे। इसके बाद प्रशासन और प्लांट प्रबंधन ने बात की, परिजनों से भी बात की और समाज प्रमुखों से भी बात की। फैसला लिया गया कि हुकुम के बेटे की पढ़ाई लिखाई की परीक्षा का खर्च प्रबंधन उठाएगा। इसके साथ ही अंतिम राशि के रूप में 30 लाख रुपए हुकुम के परिजन को दिए जाएंगे। साथ ही उसकी पत्नी को नौकरी देने का भी लिखित आश्वासन दिया गया। इसके अलावा मौके पर 5 लाख रुपए दिए गए, जिसके बाद करीब 8 घंटे के बाद शव को सीढ़ी से नीचे उतारा गया। बाद में शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल इस बात का पता नहीं चल सका है कि हुकुम ने जान क्यों दी। मामले की जांच पुलिस कर रही है। केएसके महानदी फैक्ट्री है अकलतरा जांजगीर चांपा जिला में। ये हमारे समाज के एक हुकुम सिंह जी मरावी जी, उनका आज यहाँ आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने यहाँ के प्रबंधन के कुप्रबंधन के खिलाफ प्रताड़ना के माध्यम से उन्होंने फांसी लगा के यहाँ अपने आत्महत्या कर ली, और बहुत सारी यहाँ प्रबंधन की शिकायतें रही हैं। तो आज हमें जब पता चला तो हम पूरे सर्वाधिक समाज जांजगीर चांपा और बिलासपुर संगठन सब यहाँ पहुँच गए, और हमने दबाव डाला। प्रबंधन हमसे बात करने को तैयार नहीं हुआ। उनके परिवार के साथ ऐसे समझौता कर रहे थे जिसमें सिर्फ उनको एक जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो कर रहे थे। तो हमने यहाँ आके सामने घेराव करके हमने प्रबंधन से बात किया और सब अपने उनके परिवार को जो मुआवजा है, आर्थिक सहायता है, और जो वैकल्पिक व्यवस्था यानी वैधानिक रूप से जो हो सकता है उस व्यवस्था के तहत हमने बात की, और प्रशासन के माध्यम से और यहाँ के प्रबंधन के माध्यम से परिवार के साथ एक समझौता नामा किया गया। और अभी फिलहाल में तो परिवार अपनी बॉडी को लेने के लिए तैयार हो गया है और आगे प्रक्रिया चल रही है। अब देखते हैं, अगर इस पे अगर और सही उचित कार्रवाई नहीं होती तो फिर समाज अपने हिसाब से एक्शन लेगा। इस पे क्या होता है, बड़े दुख की बात है कि प्रशासन का जो नज़रिया है वो पब्लिक के प्रति ना होकर एक प्रबंधन और एक फैक्ट्रियों को जो फ़ायदा दिलाने की जो आदतें पड़ी हुई है प्रशासन का, ये सबसे गलत है। इससे ही लोगों में अविश्वास की स्थिति निर्मित हुई है और लोग उसी कारणवश किसी भी मामले पे रोड पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रबंधन पे और प्रशासन पे विश्वास नहीं करते हैं। तो हमने उसी माध्यम से दबावपूर्ण बात करके वो सब परिवार को न्याय दिलाने का कोशिश की।